श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस खास अवसर पर इस वक्त हम मथुरा में ही मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त मथुरा के स्थानीय विधायक श्रीकांत जी मौजूद है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीकांत जी। सबसे खास पल न सिर्फ मथुरा वासियों के लिए बल्कि देशवासियों के लिए और विदेशों से भी लाखों लोग आए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ब्रजवासियों का इस दिन का इंतजार पूरे साल रहता है कि हमारे लाला को जन्मदिन है, लाला को जो जन्म उत्सव है, हम सब ब्रजवासी बहुत हर्षोल्लास से वह मना में हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लड्डू गोपाल की पूजा हुए, भगवान यहाँ पैदा हुए, भगवान यहाँ घुटमन खेले, वृंदावन पूरे ब्रज में भगवान की क्रीड़ा स्थली है, लीला है, लीला की है। तो हम सब ब्रजवासी अपने लाला के इस जन्मोत्सव की इंतजार करते रहते हैं और आज बहुत ही पवित्र दिन है और पूरा ब्रज जो है अपने अपने ठाकुर का, अपने इष्ट का, अपने कृष्ण का, अपने गोविंद का, अपने गोपाल का आज जन्मदिन मना रहा है और पूरे विश्वभर से श्रद्धालु मथुरा वृंदावन पधारते हैं। तो आज के इस खास अवसर पर आपने, क्योंकि विश्व ने कोरोना देखा, विश्व ने उस महामारी को देखा, क्या खास प्रार्थना आज आपने लड्डू गोपाल से की? हम लड्डू गोपाल से ब्रजवासी यही कामना करें कि हमारी संस्कृति है, हम ब्रजवासी, हम भारतवासी पूरे विश्व को अपना परिवार समझे हैं, तो हम यही कामना करें ठाकुर जी से कि सब सुख शांति सब जगह बनी रहे और ठाकुर जी सब पर कृपा करें। योगी जी के भी आने का पूरा कार्यक्रम यहाँ पर है, इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है रात 12 बजे तो। हालांकि कान्हा जी के जब दर्शन होंगे उसके लिए देश विदेश से लाखों सैलानी आए हैं। योगी जी का के बारे में भी हम पूछ रहे थे, सबकी निगाहें टिकी हैं, कब आएंगे, कब उनका उनके भी यहाँ पर उन्हें भी देखने के लिए मौजूद है। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर बार जन्माष्टमी के उत्सव पर मथुरा वृंदावन पधारते हैं। कोरोना काल को अगर आप छोड़ दें, अन्यथा सभी कार्यक्रमों में दो दिन पहले, एक दिन पहले किसी न किसी नाते जन्मोत्सव के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी सहभागी होते हैं। ये सब देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में पधारते हैं। अच्छा, हर साल जो भक्तों की संख्या है, क्योंकि इन्हें भीड़ नहीं कहा जाता, इन्हें कृष्ण भक्ति में लीन वो भक्त कहे जाते हैं जो यहाँ पर आते हैं, हर साल संख्या बढ़ जाती है, चुनौतियाँ भी बढ़ जाती है इसके साथ साथ में प्रबंधन के तौर पर? ये ठाकुर जी की कृपा है और हमारा उद्देश्य भी यही है कि अधिक से अधिक तीर्थयात्री हमारे ब्रज में पधारें। जितने ज़्यादा तीर्थयात्री आएंगे उतने ज़्यादा हमारे ब्रजवासियों को रोजगार मिलेगा, यहाँ की इकोनॉमी अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी और इसीलिए हम यहाँ बेहतर सुविधाएं हमारे तीर्थयात्रियों को मिले, इसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं और अभी आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी तीर्थयात्री, ये जो बहुत पवित्र स्थान है, इसकी पवित्रता को बनाने में भी सहयोग करें, अपने जूता चप्पल अपनी गाड़ी बस में ही छोड़कर आए, यहाँ दोना पत्तल का जो उपयोग कर रहे हैं उसको डस्टबिन में डालें। लगातार हमारी आप देखें सफाई को लेकर यहाँ हमारे नगर निगम के लोग काम कर रहे हैं, यहाँ बेहतर सुविधा यात्रियों को हम देने का प्रयास करते हैं और इसलिए हम यात्रियों को भी लगातार सहयोग की यात्रियों से अपील भी करते रहते हैं कि अपने ठाकुर जी के दर्शन करो, पर ये पवित्र स्थान है जहाँ की पवित्रता बनाने में सहयोग करो। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 इंडिया देश के नंबर वन न्यूज चैनल से बातचीत यहाँ पर करने के लिए। स्थानीय विधायक श्रीकांत शर्मा जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि व्यवस्था में पूरी तरह से सहयोग किया जाए और ठाकुर की नगरी है, भक्तों की संख्या हर साल यूं ही बढ़ती रहती है और भव्य दिव्य तस्वीर लगातार देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया इसी तरह से आप तक पहुंचाता रहेगा। मेरे सहयोगी विपिन पुजारी के साथ सबीना तामंग देशमुख, मथुरा, न्यूज 18 इंडिया।